दोस्तों अपने नंबर को BSNL में कैसे पोर्ट करें? जैसे ही रिचार्ज प्लान सभी हाइक हुए यानी दाम बढ़ गए, उस कंडीशंस में सारे लोग BSNL में पोर्ट कराने की ख्वाहिश रखने लगे और फिर से BSNL क्या हुआ ट्रेंडिंग में आ गया। क्या आप भी BSNL में पोर्ट कराना चाहते हैं? तो क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, कैसे होगा पोर्ट, कितना पैसा लगेगा, कितना ऑफर्स मिलेगा, कितना रिचार्ज मिलेगा, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक अभी से कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, टेक ज्ञान 1AM चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे BSNL में पोर्ट करने का प्रोसेस। देखिए BSNL में पोर्ट करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यदि आपके पास एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया सिम कार्ड है और उस सिम कार्ड को आप चाहते हैं कि हम BSNL में पोर्ट कराएं, तो उसके लिए उस सिम कार्ड से UPC कोड निकाला जाता है, यानी जो आपके पास सिम कार्ड मौजूद है उस सिम कार्ड में रिचार्ज होना अनिवार्य है, आपको पता है, और वो रिचार्ज होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपकी जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड 90 दिन पुराना होना चाहिए। BSNL में पोर्ट करने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? देखिए BSNL एक ब्रांडेड कंपनी है जो आप देखते हैं कि BSNL कनेक्टिंग इंडिया, तो BSNL सिम कार्ड को लेने के लिए आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। यानी आप यदि BSNL में आना चाहते हैं, पोर्ट कराना चाहते हैं किसी भी कंपनी का नंबर, तो 18 साल उम्र होना चाहिए। और सिम कार्ड की पोर्ट की टाइमिंग होती है 3 डेज से लेकर 7 डेज। यदि आपके जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उसी राज्य का आपके पास एयरटेल, VI और जियो सिम कार्ड है और उसको BSNL में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन लगेगा। अगर अलग राज्य का सिम कार्ड आप खरीदे हैं और BSNL में अपने दूसरे राज्य में पोर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 7 दिन का समय लगेगा। अब बात करते हैं ऑफ़र्स क्या मिलेगा BSNL में पोर्ट करने का। तो BSNL में पोर्ट करने का ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। BSNL में यदि आप पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरे आपको 35 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, यानी 35 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 2 GB डाटा इंटरनेट पर डे मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि BSNL का रिचार्ज प्लान नहीं बढ़ा है, बहुत सस्ते प्लान में आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट मिलता है। और BSNL की 4G स्पीड बहुत तगड़ा है। यदि आपके इस एरिया में BSNL का 4G स्पीड अच्छा है, 4G नेटवर्क है, तो आप BSNL में पोर्ट करिएगा इंटरनेट के लिए। और यदि आपके पास 4G नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा नहीं है तो BSNL में प्लीज़ आप पोर्ट मत करिएगा, इंटरनेट अच्छा नहीं चलेगा। हाँ, सेकेंडरी सिम कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप कोई OTP आता है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के लिए रखना चाहते हैं या कीपैड फ़ोन के लिए पोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा BSNL है। तो BSNL में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, हम सारी जानकारी आपको बता दें। और आपकी प्राइस कितना लगेगा, तो आपका प्राइस की बात करते हैं तो मात्र प्राइस आपका 249 का या फारसी कर मिलेगा। तो 249 रुपये में 200 रुपये में भी आपका पोर्ट हो जाएगा और आपका उससे भी कम में पोर्ट हो जाएगा, 100 रुपये में भी पोर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको BSNL के कैंप वाले के पास जाना पड़ेगा। और यदि आपको BSNL के स्टोर मिलता है तो वहाँ पे भी जाकर पोर्ट करा सकते हैं। तो आपको हमने पूरी जानकारी बता दिया और ऑनलाइन पोर्ट कराने के चक्कर में मत पड़िएगा, ऑनलाइन पोर्ट का प्रोसेस नहीं है BSNL का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।